राम मंदिर के निर्माण के इस शुभ अवसर पर एक गीत पढ़ता हूं कि पथराए हुए नयन बोले, देहरी बोली आंगन बोले, पथराए हुए नयन बोले, देहरी बोली आंगन बोले, फिर राम अयोध्या में लौटे पुलकित होकर जन जन बोले, फिर राम अयोध्या में लौटे पुलकित होकर जन जन बोले, साकेत स्वर्ग हो जाएगा, साकेत स्वर्ग हो जाएगा, फिर राम राज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त ऐसा समाज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त ऐसा समाज संभव होगा। और क्या क्या होगा इस नए समाज में, कि अब नहीं कहीं कोई अबला पत्थर बनकर दिन काटेगी, अब नहीं कहीं कोई अबला पत्थर बनकर दिन काटेगी, अब नहीं कहीं कोई रेखा मानव मानव को बांटेगी, शबरी के बेर चखे राघव, शबरी के बेर चखे राघव, फिर ये रिवाज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त ऐसा समाज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त ऐसा समाज संभव होगा। और देखें, जिस धाम चुनौती आएगी उस धाम उपाय निकालेंगे, जिस धाम चुनौती, कोई बाहर से नहीं बुलाया जाएगा, समाधान हम खोजेंगे, जिस धाम चुनौती आएगी उस धाम उपाय निकालेंगे, नल नील गिलहरी मिलकर सब सागर पर सेतु बना लेंगे, अपने सीमित संसाधन में, अपने सीमित संसाधन में हर काम काज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त ऐसा समाज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त ऐसा समाज संभव होगा। और अंतिम बंद पढ़ता हूं इसका, कि अब कहीं किन्हीं सुग्रीवों के अंतस में क्षोभ नहीं होगा, अब कहीं किन्हीं सुग्रीवों के अंतस में क्षोभ नहीं होगा, अब युद्ध जीतने वाले को लंका का लोभ नहीं होगा, अब युद्ध जीतने वाले को लंका का लोभ नहीं होगा, अपनी अपनी मर्यादा में, अपनी अपनी मर्यादा में अब राज काज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त ऐसा समाज संभव होगा, पथराए हुए नयन बोले, देहरी बोली आंगन बोले, फिर राम अयोध्या में लौटे हर्षित होकर जन जन बोले, साकेत स्वर्ग हो जाएगा, साकेत स्वर्ग हो जाएगा, फिर राम राज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त ऐसा समाज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त ऐसा समाज संभव होगा।